नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार राज्य सरकार के गृह विभाग ने लॉकडाउन 4 के लिए क्या गाइडलाइन जारी किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लॉकडाउन 4.0 बिहार के गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, जाने क्या खुलेगा और किस पर पाबंदी। कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों की दुकानें तथा रेडीमेड वस्त्र की दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा। नंबर एक, कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों की दुकानें तथा रेडीमेड वस्त्र दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि अत्यधिक भीड़ न हो। नंबर दो, किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी बारी से सप्ताह के अलग अलग दिन अथवा अलग अलग समय पर खोलने का आदेश डीएम जारी करेंगे। नंबर तीन, ओला, उबेर एवं अन्य टैक्सी सिर्फ चिकित्सीय कारणों के लिए तथा रेलगाड़ियों के यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए करें। नंबर चार, किराए के बसों का परिचालन जिला के अंदर तथा अंतर जिला पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। नंबर पाँच, इसके अतिरिक्त गाड़ियों, व्यक्तियों का अंतर जिला, जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा, अनुमान्य गतिविधियों को छोड़कर। नंबर छह, ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश निर्गत करेगा। नंबर सात, ग्राहकों के लिए आवश्यक निर्देश, आवश्यक सामग्री की खरीदारी अपने आसपास के दुकानों से ही करें, दूर जाकर सामानों की खरीदारी करने की अनुमति नहीं है। नंबर आठ, सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। नंबर नौ, प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक कार्यालयों में भी 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। नंबर दस, उपरोक्त शर्तों के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020 दिनांक 17 मई 2020 के द्वारा सभी निर्देश इस राज्य के अंतर्गत भी अनुपालित किए जाएंगे।